जय हिंद। ब्लड रेस्क्यू में क्या क्या सीखा? सर रेस्क्यू कैसे करते हैं, ट्रायल रेस्क्यू एंड ट्रायल, और भंवर से कैसे निकला जाता है? नाउ कंडक्टिंग जी सर। सबसे ज्यादा ब्लड एरिया हो गया, एक दो आदमी से तो कनेक्ट होते हैं, नॉन कनेक्ट होते हैं, इसको कर सकता है। अगर मैं गांव के लिए वो बड़ा प्रोजेक्ट हो गया तब क्या करना है, बोर्ड की मदद से रेस्क्यू करना है कि नहीं? बोर्ड का मदद से रेस्क्यू करना है, क्योंकि कई सारा बोर्ड्स होता है, ये है IRB इंफ्लेटेबल रबराइज्ड बोट, ठीक है। ये क्या है IRB बोट, क्योंकि ये बोट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैरी करना सबसे इजी हो जाता है, ड्राई भी चले कई जगह ले जाने से क्या होता है, परेशान हो जाता है, क्यों छोटा जगह में लेके नहीं जा सकता, फिर क्या है वो रेस्क्यू करना है और कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अभी ये इसके साथ साथ क्या है, OBM आता है, ठीक है। OBM मीन्स आउटबोर्ड मोटर, ठीक है। ये क्या है, आपको 750 kg तक कैरी कर सकते हैं मिनिमम, मान लीजिए। इसका साथ साथ हम 2-3 रेस्क्यूअर साथ साथ क्या है 5 से लेकर 7-8 तक हम रेस्क्यू करके लेके आ सकते हैं। उसमें आम सिक्वेंस बनता क्या है, आदमी मोटा है, बड़ा है, वजन वाला है, बच्चे अगर 10-12 भी लेके आ सकते हैं, मेरे जैसे आदमी होगा तो 7-8 लेके आ सकते हैं, ठीक है। साथ साथ इसको क्या है, इसका नाम है, थोड़ा पार्ट्स का नाम बताता हूँ। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, क्या है 4 चैम्बर होते हैं, आप देख रहे हैं चैम्बर, चैम्बर कौन सी है, ये हवा बर्तन है, फर्स्ट जिसे सेकेंड तो देख एक थर्ड फोर, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, इसके साथ क्या है, ये क्या है आपको लाइफ लाइन, ठीक है, लाइफ लाइन मान लीजिए पानी में डूब रहा तो क्या है साइड में पकड़ कर रह सकते, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। साथ साथ जो मूव करेगा तो क्या है, इधर क्या करेगा, वूमेंट बैठेगा, वूमेंट आगे, उसका काम क्या बनता है, ऑपरेटर का सीधे सामने देखे, कोई कतरा जगह नहीं, कोई पोस्ट तो नहीं लग रहा है, पीछे क्या है OBM आ रहा है, OBM को क्या नुकसान नहीं होना, इसलिए क्या है वूमेन बैठेगा, इसका जगह वूमेन बैठने के लिए साथ में वो पास करेगा, लेफ्ट जाना राइट जाना, ये राइट देगा इसको ऑपरेटर को क्या है, ठीक है। उसको बदलना क्या है, ठीक है। इसको और इसी कारण से अगर बोर्ड 4 चैम्बर हो गए, एक चैम्बर में रप्चर हो गया, बोर्ड छेद हो गया, ठीक है। अभी क्या है, साथ साथ क्या हम फ्यूज बॉक्स रखते हैं, ठीक है, शायद तुरंत ही रप्चर हो गया उसको फिल करें, नहीं तो एक चैम्बर में अगर हवा कम होने से भी क्या है किनारा तक आ सकता है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम रेस्क्यू करना चाहेगा मिनिमम 5-6 लाइफ जैकेट गाड़ी बाइक लेके जाएगा, क्योंकि ये क्या निकालना टेंट के 72 घंटा तक पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, वो एक मुख्य सर्च करते रहेगा, ठीक है। मिनिमम क्योंकि और एक कलर है, ये कलर क्यों लिया, साथ साथ के इसमें आपको एक लाइट पाउडर लगा ना रिफ्लेक्टिंग कलर से स्टिकर्स, वो क्योंकि कहीं भी आप डूब रहा हो तुरंत पहचान लेगा, कलर भी यही है। और मान लीजिए 1 किलोमीटर उस तरफ भी डूब रहा है, तुरंत हम देखते हाँ भाई उधर कोई डूब रहा है, तो दूसरा कलर उनसे जल्दी फाइंड आउट नहीं कर सकता, ठीक है। साथ साथ ये वो लाइबाई है, आपको तब तक टूटेगा नहीं, तब तक कोई परेशानी लाइफ टाइम मान लीजिए वो सर्वे कर सकता है, लेकिन उसमें 7-7-4 आदमी सर्वे कर सकता है एक साथ, ड्राइवर दीजिए एक आदमी तो अप्लाई कर दिया, ओके एक आदमी अप्लाई कर दिया, एक दो
तीन वो पकड़ सकते हैं। चार आदमी पकड़ते प्रेशर, क्योंकि हम पानी में क्या करते हैं, पकड़ते कुछ नहीं कर सकते, हाथ पे हिलाते रहते है कि नहीं। इसलिए क्या हाथ पे हिलाने से आपको क्या होता है, इसको मतलब सर्वे करने के लिए कोई परेशानी नहीं, ठीक है। साथ साथ क्या आपको और एक कुछ में बताता हूँ, पानी में जाने के बाद मान लीजिए मेरा वजन 80 kg, ठीक है, पानी में जाने के बाद क्या होता है, हाफ हो जाता है, क्या होता है, हाफ हो जाता है। इसलिए अब सर ने बताया आपको वाटर बॉटल का, वाटर बॉटल क्या बोला, 10 से 12 बॉटल है, 100 kg सर्वे कर सकता है। अगर मान लीजिए 100 kg का आदमी पानी में जा रहा है, उसका वजन कितना हो जाता है, 50 kg हो गया है कि नहीं, उसका वजन कितना हो गया, 50 kg, मतलब पानी में फ्लोट, क्योंकि हमेशा सांस लेते रहते हैं। अगर कोई आदमी चाहिए तो डूबता है, कब डूबता है पानी के बारे में जान जाने पहली बात क्या, वो सबसे पहले डरता है कि नहीं। अगर मान लीजिए आप बड़ी है सुमर, फॉर एग्जाम्पल आप कोशिश करके देख लेना ना, दो मिनट की बात करिए, आप कितना भी कोशिश करो पानी के नीचे जाएगा है कि नहीं। जो ये है तुम पूछते नहीं हो तुम लोग, पकड़ लिया ना, ऐसा पकड़ लिया तू जी, इधर इधर एक आदमी इधर एक आदमी इधर एक पकड़ लेगा तो डूबने का कोई चांसेस नहीं, डूबेगा भी नहीं, ठीक है, तो 100% प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। डाउट, एनी अदर क्वेश्चन एंड डाउट्स? अभी इसको पकड़ना ही है चार लोग को जो बाहर है, तो सर आठ लिख के नहीं पकड़ सकते, तो पकड़ना ही है ना बस इसी को। कारण क्या है, हम साथ साथ इसका एक कैपेसिटी होता है ना, कैपेसिटी होता है ना, मान लीजिए मैं दो आदमी उठा सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, आठ आदमी को नहीं उठा सकता, इसलिए मतलब एक कैपेसिटी है। इसलिए अगर मान लीजिए आप विक्स उम्र फॉर एग्जाम्पल ये अप्लाई करके दो आदमी भी रह सकते हैं, हाथ पर चलाते हुए किनारे आ सकते हैं, लेकिन पॉसिबल कम। अगर मान लीजिए आप स्विमिंग बिल्कुल नहीं आता है, चार आदमी पकड़ने से कोई परेशानी, अगर मान लीजिए आप विक्स में थोड़ा स्विमिंग कर रहा है और भी एक आदमी पकड़ कोई परेशानी, मतलब क्या आपको थोड़ा बहुत स्विमिंग आने से कोई परेशानी नहीं, और एक आदमी पकड़ो अभी कोई मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी कैपेसिटी होता है, कितने वजन तक के लोगों को वो कर सकता है, हाँ ठीक है, इसका कैपेसिटी आपको मान लीजिए 120 kg तक। सर मेरा क्वेश्चन वही था कि मतलब हैवी जैसे 120 kg इसका वो संभाल सकते हैं, तो अगर समझिए इसे चार लोग हो गए तो फिर कैपेसिटी। मैं आपको पहले बताया, बिल्कुल वही सर, अच्छे क्वेश्चन है, अगर 40 kg हो गया तब तो 120 kg तक कैरी करेगा पानी में, अब 240 kg कम से कम एक ही आदमी 100 kg, चार आदमी 100 kg नहीं होगा ना, है कि नहीं। अब मान लीजिए बच्चा मान लो किसने बोला था चार आदमी को आठ आदमी को नहीं पकड़ सकता, बच्चा दो आदमी एक साथ भी पकड़ सकता है, कोई परेशानी नहीं, कैपेसिटी के ऊपर हाँ। बच्चा वो नहीं पकड़ सकता तो उसको हम हाथ में नहीं उठा सकते बच्चे कैरी, इसमें सुमर होना चाहिए, आप सुमर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले क्या और सेफ्टी उसके बाद आप एक अच्छा स्विमर है तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है, साथ साथ और एक दो आदमी का भी लेके आ सकते, इसलिए वो मैं लाइफ लाइन बोला ना, मान लीजिए इसमें चार आदमी